अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कह रहा है मंडे वर्ड के जो भी लेटर्स हैं उनका यूज़ करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद या फिर विदाउट मीनिंग, एंड कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। और इसके साथ कुछ और भी कंडीशन दी गई है, जैसे कि पहली कंडीशन है 4 लेटर्स एक बार यूज होने चाहिए। सेकंड कंडीशन दी गई है एक साथ सभी लेटर्स यूज होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये दी गई है कि सारे लेटर्स एक ही बार यूज़ होंगे लेकिन जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो जो वर्ड हमें गिवन है मंडे, उसमें टोटल 6 लेटर्स हैं। और ये कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है कि वर्ड बनाते समय कोई भी लेटर यूज रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR इजकल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का होल फैक्टोरियल। नाउ फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि वर्ड 4 लेटर का बनना चाहिए, यानी कि जो मंडे वर्ड दिया गया है इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स का यूज करके हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। सो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट वाला जब हम सॉल्व करेंगे तो इस केस में जो n की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 क्यों होगी, क्योंकि टोटल हमारे पास 6 लेटर्स हैं जिनका यूज हमें करना है। और r की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि जो वर्ड हम बना रहे हैं वो 4 लेटर्स का होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि n इजिकल टू 6 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो वर्ड हमें गिवन है मंडे, इसमें टोटल 6 लेटर्स हैं। और r इजिकल टू 4 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो वर्ड हम बनाएंगे उसमें टोटल 4 लेटर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि इन्हीं लेटर्स का यूज करके हमने एक वर्ड बनाया और वो हमारा वर्ड बना MOND। इस वर्ड में, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, तो क्वेश्चन में भी ये क्लियर दिया गया है कि जो वर्ड हम बना रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उसका कोई मीनिंग हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि विद या विदाउट मीनिंग, वो वर्ड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मंडे वर्ड दिया गया था इसके लेटर्स का यूज करके हमने एक 4 लेटर का एक वर्ड बनाया है। इसी तरह से कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिसमें 4 लेटर रहेंगे, वही चीज़ हमें बताना है फर्स्ट वाले केस में। ओके, इसीलिए हमने r इजिकल टू कितना लिखा है, 4 लिखा है। नाउ अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 NPR है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6P4 हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का होल फैक्टोरियल। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 × 4 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। हमने इसे 2 फैक्टोरियल तक इसलिए लिखा है क्योंकि 6 माइनस 4 हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल है तो क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो गया। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 360। सो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा, 360 वर्ड्स बन सकते हैं 4 लेटर के मंडे वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनका यूज करके। अगर ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं।